दीजिए खाना बनाने, हम तो अपना बना ही रहे हैं, हम अपना काम करते हैं, बैठल थोड़े रहते हैं। अरे मेरा ये बोलते कि सिर्फ जीजा को आप नहीं क्या देंगे, आपके घर में मेहमान ही आए तो हम उधर देखो मम्मी क्या बोल रहे हैं, सुनी। हाँ सुने की बोले मम्मी के भगवान हम इसलिए देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इसमें तेल दे दिए, अब थोड़ा सा जीरा दे रहे हैं, देखिए थोड़ा सा ही दिए जीरा, थोड़ा सा हरी मिर्च देते हैं, देंगे तो काटने में ठीक रहता है, नहीं तो ऐसे गोभी का मतलब फल जो है ना गोभी का यही कर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत हमारे वीडियो में। तो दोस्तों आज देखिए हम क्या सब खाना बनाने वाले हैं, आप लोग को दिखाएंगे, आप लोग वीडियो को फुल वाचिंग कीजिएगा। और दोस्तों आज बहुत मजेदार खाना बनने वाला है, कल भी बहुत अच्छा बना था सब्जी, बहुत टेस्टी बना था, लेकिन आप लोग को बहुत हड़बड़ी थे इसीलिए नहीं दिखा पाए दोस्तों। और बहुत आदमी बोलते होंगे कि सिर्फ खाना का वीडियो बनाती है, तो दोस्तों हम एक शुरू से खाना का ही वीडियो बनाए हैं और खाना का बनाते ही रहेंगे। तो दोस्तों अभी चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप लोग बने रहिए। देखिए अभी इसमें हम आलू चढ़ा चुके हैं, तभी से मोबाइल नहीं था इसीलिए नहीं दिखा पाया। अभी देखिए यहाँ पे आलू चढ़ाए हैं और फ्रेश नहीं दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, इसमें देखिए आप फ्रेश दिखाई दे रहे, लाइट जलाए हैं तो आलू इसमें चढ़ा दिए हैं, गैस जला दिए हैं, देख सकते हैं गैस जल रहा है। और यहाँ पे बैठे हैं तो अपना दोनों अपना काम कर रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पे हम गोभी रख दिए हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए रूम में हम अपना चावल का अदहन चढ़ा के रख दिया और मसाला का दौरा ला के रख दिए हैं, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे है सब चीज रखा हुआ। तो अभी जा रहे हम सब्जी गोभी काटने के लिए, आप लोग बने रहिए, किस तरह गोभी काटते हैं आप लोग देखिएगा, फुल वाचिंग कीजिएगा आप लोग। तो दोस्तों देखिए अभी जो हम गोभी काटने के लिए आ गए यहाँ पे, देख सकते हैं पहले हम इसको थोड़ा थोड़ा करके तोड़ देंगे तो काटने में ठीक रहता है, नहीं तो ऐसे गोभी का मतलब फल जो है ना गोभी का यही कट जाते हैं दोस्तों, बात थोड़ा थोड़ा लग जाता है इसके लिए सॉरी है। देखिए वो मुताक रहे हैं, देखिए दोस्तों काट रहे हैं, मम्मी क्या बोल रहे हैं, क्या उधर देखो मम्मी क्या बोल रहे हैं, सुनी। हाँ सुने की बोले मम्मी के, हम कुछ नहीं बोले कखनी देते भगवान, हम इसलिए देखिए सोचे अथी क्या कहते हैं कि हम वो अथी कॉफी जो पीते हैं हमको ख्याल नहीं रहता, हम कॉफी पिए कॉफी पिल गया सही में जा रहे जी जा, तो जा रहे तो दाय नहीं कर सके जगह, दाय का बोला देखा जा अकेले सुबह से बैठ लो मम्मी का आरती जी सुबह से नहीं बैठले, बाप रे बेचारी गलती नहीं दबे हम कम कम है यार, इधर आइए सिस्टर जी क्या रहे है ना, ऐ उसको बोलते हैं देखिए कहीं रोने ना लगे, की कर रही सुबह से जाके क्या कुछ नहीं अपना रेडी हो सुबह से जागे, एक ठो वीडियो बनाए, तीन गो शॉर्ट बनाए, तब गए उसको जो है लोड करके गए हम नहाने के लिए, नहा के आए तब तक हम तैयार हो गए, आप लोग वीडियो जो है अपलोड करके यूट्यूब पर डाल दिए। तो जीजा को चाय बना के नहीं देख सकते हैं, दे सकते हैं थोड़ा सा भी, आपके घर में है तो आपने चाय दीजिएगा कि हम ही देंगे, कमेंट पढ़े हैं हम दोस्त लोग, आप लोग बताइएगा थोड़ा, आरती जी सुबह से एक बार बैठी है, नहीं रहता कि हम कॉफी जो पी लेते हैं ना दिमाग में रहता कि नहीं नहीं, दोस्त लोग कमेंट में क्या बोले पता है सिस्टर, चलिए कोई काम ना करे थोड़ा सा चाय तो बना सकते है, इतना घर में बना के पीते है, देखिए दोस्तों हम लोग का ध्यान मत रखिए, हम लोग को मत दीजिए बना के, थोड़ा सा मतलब नहीं है, बाप रे दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिएगा थोड़ा, तो नहीं पियेंगे भूखले चले जाएंगे, उतना जरूरी नहीं है जो हम सब दिन तो करके, आप लोग नहीं रहते तो हम मम्मी को करके खिलाते थे बना के, अभी हम क्या नहीं बनाते हैं, अभी आप लोग है तो क्या हम सब दिन अपने से बना के खाएंगे, हम नहीं बनाएंगे, बोले हैं कि आप बना दीजिए, देखिए हो गया ननद और भौजाई में हो गया, नहीं नहीं हुआ नहीं है, ये बात बोले कि हम लोग को मत, उधर मम्मी को बीच में हंसी आ रहे हैं, हम लोग को मत दीजिए खाना बनाने, हम तो अपना बना ही रहे हैं, हम अपना काम करते हैं, बैठल थोड़े रहते हैं। अरे मेरा ये बोलते कि सिर्फ जीजा को आप नहीं क्या देंगे, आपके घर में मेहमान ही आए तो हम देंगे चाय बना के, ठीक है ठीक है ठीक है, गलती माफ कर दीजिए, ठीक है गलती मान ली आप, हे भगवान आप लोग समझ गए दोस्तों कि क्या क्या मैटर है, आरती जी का कहने का मैटर है कि देखिए सुबह से जो है बेचारी तक को बार बैठती ना है,
और क्या बताएंगे दोस्त, क्या हुआ? नहीं कुछ बोले, काट लीजिए। चलो कुछ किसी का बात का उतना मतलब बुरा मत मानना, ठीक है? चलिए कोई नहीं। जीजा देखिए दोस्तों, जीजा उधर छिपिटा रहे हैं उधर दोस्तों, ये थोड़ा सा चाय नहीं बना कर देख सकते हैं भगवान, इतना आसपास कहता है। तो दोस्तों देखिए दीदी सब जो है चली गई है, ऐसे क्या करेंगे दोस्तों, चलिए मजाक हो जाता है इतना ठो, है ना? बुरा मत मानिएगा आप लोग, हम लोग थोड़ा बहुत मजाक हो ही जाता है। और फिलहाल देखिए आरती जी इधर खाना बना रही है ना, क्या सब बना रहे हैं तो आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों तभी दिखाए थे कि गोभी काट रहे थे और आलू चढ़ा दिए थे गैस पे, तो दोस्तों आलू भी सीज गए हैं और वहां से यानी कि पूरी तरह से देखिए सीज गए हैं और उतार के यहाँ पे रख दिए, और अभी इसको छील के बाहर निकालेंगे। और गोभी की भी काट लिए हैं, और इधर देखिए प्याज वगैरह और प्याज हरी मिर्च सब कुछ के रख दिए हैं यहाँ पे, काट के भी रख दिए हैं यहाँ पे देखिए, हरी मिर्च सूखा मिर्च भी काट के रख दिए हैं। और अभी थोड़ा सा गोभी हम झोल रहे हैं, झोलने के बाद निकालेंगे, फिर इसको मसाला सब आगे क्या क्या करेंगे सब चीजें आप लोग को दिखाएंगे। तो चलिए बने रहे हैं ना। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इसमें तेल दे दिए, अब थोड़ा सा जीरा दे रहे हैं, देखिए थोड़ा सा ही दिए जीरा, थोड़ा सा हरी मिर्च देते हैं गोभी और सूखा मिर्च और जो चार को हरी मिर्च, पापा के लिए थोड़ा सा निकालेंगे, मतलब पापा में तो प्याज सब नहीं देंगे, अपने सब में प्याज देंगे पापा के लिए। पक गया दोस्तों, पक गया। तब इसमें देखिए डाल रहे हैं गोभी में, मतलब दोस्तों हम लोग का सब्जी सैंपल बनता है, यानी कि थोड़ा सा भी प्याज नहीं डालते हैं, सिर्फ हरी मिर्च। हाँ हाँ पापा के लिए, हम अपने लोग के लिए देखिए यहाँ पे है प्याज सब कटा हुआ देखिए। हाँ हाँ उधर दे पता है, तो पापा के लिए सिर्फ सैंपल बनता है। चलिए गोभी अभी डाल दिया इसमें, मेरे लिए दाल भात भुजिया नहीं बना दोगे? गोभी का भुजिया आलू गोभी का एक के में आलू गोभी का सब्जी चावल बनाएंगे, आलू इसी लिए उसमें। हाँ चलिए तभी हम पूछे थे भगवान, आप बोले थे हाँ ठीक है। दोस्तों इसको दो मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। तो दोस्तों देखिए दो मिनट हो चुके हैं और दो मिनट में अभी भी पलटा रहे हैं इसको, कुछ नहीं हुआ। पकने का तक दोस्तों आलू हम छील लेते हैं, फाइनली आलू हम छील के रख दिए हैं और जितना कचरा है इसमें डाल दिया, हम लोग का किचन डब्बा हो गया है। चलिए बने रहे आप लोग, गुड़ दो इसको, ठीक है? अच्छा से और आज टेस्टी सब्जी बनेगा। तो दोस्तों देखिए फाइनली हम अभी गुड़ चुके हैं इसको, फिर तभी दो मिनट हो गया, दो मिनट में आलू भी छील लिए, अब दो मिनट के बाद फिर पलटा के देखते हैं। आराम से हर भर करने की कोई जरूरत ना है, चलिए आज लग रहा है दोस्तों पापा के लिए सब्जी बन रहा है, अलग से बनेंगे पापा के लिए, मेरे लिए आलू डाल के बनेंगे। डालो नमक, थैंक यू, वेरी गुड। बहुत अच्छा, दोस्तों देखिए अभी भुजा हुआ हो गया, आधा आलू में दे देंगे आधा पापा के लिए बना लेंगे।
थोड़ा सा इसमें जो है मसाला मिर्चा का कुंडी धनिया का कुंडी एक दोनों देंगे इसमें पानी दे देंगे 10 मिनट तक मिला मुझे नियम 4 मिनट लगा देंगे। तो दोस्तों देखिए पापा के लिए सब्जी बना लिए, तभी से नहीं दिखा पाए कब पानी डाले कब निकाले, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को बताए थे कि मोबाइल चार्ज नहीं था तो चार्ज में लगाने चल गए। तब तक मेरा सब्जी बन के रेडी हो गया पापा के लिए। हम लोग का सब्जी देखिए यहाँ पे रखा हुआ ही है और पापा का सब्जी बन के रेडी हो गया। हम तब तक इसमें चावल भी चढ़ाती, चावल भी दे दिए हैं, देख सकते हैं दोस्तों खौल खदक रहे हैं चावल। अब हम लोग का सब्जी, पापा के लिए रोटी, पापा के लिए सब्जी तो हम लोग के लिए चावल बन गया, और हम लोग के लिए सब्जी बनेगा तो पापा के लिए रोटी। तो दोस्तों देखिए चावल अभी बन चुका है बढ़िया से, तोरा पैर उर मत जला लेने, ठीक है। चलिए चावल पस। तो दोस्तों देखिए फाइनली अभी चावल हो चुका है, देख सकते हैं चावल का पानी निकाल के रख दिए हैं और चावल यहाँ पे थोड़ा सा पानी इसमें जो अंदर का होगा जलाने के लिए रख दिया। अब जो है सब्जी बनाएंगे, सब्जी का सब चीज मेरा रेडी है, सिर्फ झोलना है, झोल के मतलब कोड लगाना है फिर निकालना है। चलिए तो दोस्तों देखिए कितना पानी गिरा दिया है, हम नहीं थे बस, वो भी गर्म पानी था मार चढ़ा दो। तो दोस्तों देखिए कढ़ाई चढ़ा दिए है, है ना, फिलहाल जो तेल डालेंगे अभी। तो दोस्तों देखिए अभी कढ़ाई दीप गए हैं और अभी हम इसमें तेल डाल रहे हैं, देखिए तेल डाल दिए हैं और जीरा का फोरन दे रहे हैं। देखिए दोस्तों हम फोरन में क्या सब देते हैं, क्योंकि लहसुन नहीं है घर में, लहसुन नहीं दिए, जीरा दिए सबसे पहले, इसके बाद जो दोस्तों सूखा मिर्च है, इसके बाद दोस्तों हरा मिर्च। अरे तो दोस्तों देखिए अभी ये सब फोरन पक गए हैं, प्याज, हरी मिर्च, सूखा मिर्च, जीरा, और अभी इसमें देखिए यहाँ पे प्याज का थुकचा हुआ, हरी मिर्च का थुकचा हुआ, आदि का थुकचा हुआ। सकते हैं मसाला अभी पका रही है ना, फिलहाल तो सब चीज रेडी रखे हैं, अगर हो जाएगा मसाला पक जाएगा सही तरह उसके बाद जो है डालेंगे।
और गोभी भी डाल दिए हैं दोस्तों, देख सकते हैं गोभी भुजा वाला नहीं गया, गोभी भुजा वाला नहीं गया। हाँ देखे हरे लग रहा है, हरे लग रहा है। तो दोस्तों देखिए अभी इसमें सारा चीज, तो तभी मसाला ही झोले थे और अभी पूरी तरह से देखिए किस तरह झोला चल गया। क्या करें, सूखा निकालते हैं आपके लिए? ना अब क्या है, ऐसे थोड़ी भुजिया होता है, भुजिया तो नहीं होता है, लेकिन तपड़ भी है ना, नहीं डाल देंगे थोड़ा सा। तो दोस्तों अब इसमें जो है ना पानी डाल दें, तो देख सकते हैं दोस्तों पानी वगैरह डाल दिए हैं, है ना। तो हर एक चीज बन चुका है, हर एक चीज मसाला जो जा रहा है ना, इसीलिए ऐसा हो। चलिए तो दोस्तों देखिए अभी फाइनली मेरा सब्जी हो चुका है और यहाँ पे दूध चढ़ा दिए हैं, देख सकते हैं, और सब्जी को अभी इसी कढ़ाई में कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं, तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय। जाते जाते यही बोलेंगे कि जो इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा, ऑन कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, नहीं आए तो भी लाइक करिएगा।